श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज विदिशा में शिव महापुराण कथा के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हज़ारों लाखों भक्तों ने जो है मतलब यहां पर शामिल होकर इस कलश यात्रा की शोभा बढ़ाई, जिसकी वीडियो आप लोग अभी देख सकते हो। फिलहाल ये जो कलश यात्रा है, ये अपने जहाँ इन्हें पहुँचना है शिव महापुराण कथा के पंडाल में, भाई वहाँ ये पहुँचने वाले हैं, जिसकी वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, विशेष रूप से जो माताएँ बहनें थीं, भाई उन माताओं बहनों से माताएं बहनें भी दूर दूर से आई हुई थी सिर्फ और सिर्फ इस कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। कुछ माताएं बहनों तो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी और उन्होंने इस कलश यात्रा में शामिल होकर जो है बिना चप्पल पहने जो है वो कथा पंडाल तक यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि ज़्यादातर जो आपको दिखेंगी वो माताएं बहनें ही दिखेंगी, और वो भी पीले वस्त्रों में, क्योंकि कलश यात्रा आप सभी लोग जानते हो कि सभी जगह पर जो है वो पीले वस्त्रों में ही निकाली जाती है। पीले कलर की सभी माताएं बहनें साड़ियाँ यहाँ पर पहनी हुई हैं। तो देख सकते हो आप लोग, कलश यात्रा जो है वो बहुत ही हर्षोल्लास से अपने कथा स्थल तक यहाँ पर पहुँची हुई है, जहाँ पर ये कथा हो रही है गिरधर कॉलोनी में। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि यही वो जगह है जो कथा का मेन गेट है, और कथा का जो मेन गेट है भाई वहीं से हम लोग अंदर घुसेंगे, जो कि थोड़े आगे जाकर ही होता है। तो फिलहाल आप लोगों को जो कथा का पंडाल है वो दिखना चालू हो गया होगा यहीं से, क्योंकि कथा का पंडाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लंबा है और अच्छा खासा बड़ा है। इसी के साथ में दोस्तों देख सकते हो सभी लोग धीरे धीरे करके चलते जा रहे हैं और अपने कलश को जो है कथा स्थल तक जो है पहुंचाते जा रहे हैं। बाकी हम आपको यही दृश्य अंदर से भी दिखाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि इस कलश यात्रा में कितने सारे लोगों ने भाग लिया, कितनी माताएं बहनें इस कलश यात्रा में शामिल हुई है ना। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये लाइन चलती ही जा रही है। बाकी कथा पंडाल अभी आने में कुछ समय है, बाकी आप लोगों को ये डूम दिखना चालू हो गया होगा, है ना। तो भाई देख सकते हो बैंड बाजा बारा सब कुछ साथ में आए हुए हैं कलश यात्रा के, और आप लोगों की व्यवस्थाओं के लिए बीच बीच में पानी की भरपूर व्यवस्था की गई थी। सभी जगह जो है पानी की भरपूर व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। मतलब जो भक्तगण है ना, वो खुद पानी, मतलब जो कलश यात्रा लेकर चल रही थी, उनके हाथों में दे रहे थे, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। तो ये है कथा स्थल का मेन गेट, जिस गेट से आप सभी लोग एंटर होंगे। बाकी उस साइड भी एक गेट है और साइड से भी रास्ता है ना। तो मेन गेट जो विदिशा भोपाल हाईवे का है वो यही है, और इस यहीं से जो है सभी लोग जो है अभी देखिए कलश यात्रा पूरी अंदर जा रही है। बाकी आधी कलश यात्रा अंदर जा चुकी है और आधी कलश यात्रा हमारे साथ में आ रही है, जो कि अभी आप लोग देखते आ ही रहे हो। तो चलो अब हम अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर का कैसा क्या हाल है, अंदर कितने लोग जा चुके हैं और अंदर कैसा क्या हो रहा है। तो आप लोग अंदर देख सकते हो कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ भक्त ही भक्त हैं। और ये हम आपको बता दें कि बीच का मेन रोड है, जो गिरधर कॉलोनी है उसका मेन रोड है, और जहाँ तक आप लोग देखोगे अभी फ़िलहाल में वो भक्तगण ही भक्तगण हैं, क्योंकि अभी जो है ये कलश यात्रा के सभी लोग हैं, ज़्यादातर जो इसमें लोग हैं वो विदिशा के ही लोग हैं, है ना। बाहर के भी लोग हैं पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो विदिशा के ही लोग हैं। इसके बाद में दोस्तों जो कथा पंडाल है भाई, कथा पंडाल में जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी आना चालू हो गए हैं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अपनी जगह को वो संभाल कर बैठ चुके हैं। हालांकि अभी कथा पंडाल की तैयारी चल रही है, अभी कथा पंडाल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, बाकी जो फर्श वगैरह होता है वो अभी तैयार होना बाकी है। बाकी अभी कथा में एक दिन बचा हुआ है, ये सभी जितनी भी तैयारियां बची हुई हैं ये सारी पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी कथा पंडाल एक तरीके से खाली है, बाकी जितने लोगों को अभी आना है वो भाई धीरे धीरे करके आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह को संभाल कर बैठ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये दृश्य देखिए, हम जिस विदिशा भोपाल हाईवे से आए हुए हैं भाई, उस हाईवे पे आप पूरे में देख सकते हो पीला ही पीला रंग दिखेगा, क्योंकि ये वो माताएं बहनें हैं जो कि कलश यात्रा में शामिल हुई हैं। जहाँ जहाँ से हम आ रहे हैं भाई, ये लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतनी सारी माताओं बहनों ने, इतने सारे भक्तगणों ने इस शिव महापुराण कथा की कलश यात्रा में अपनी सहभागी यहाँ पर बनाई है ना। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है, और ये पूरा कथा का मेन पंडाल है जो कि काफ़ी लंबा है और बहुत बड़ी ये जगह है। श्री शिवाय नमस्कार।